दोस्तों देखो यार, निंजा ZX टेनार, वाओ। और इसके बारे में मैंने एक बार कहा था कि इसका जो हेडलाइट है वो पूरा ट्रक के जैसा है। गुड मॉर्निंग। काफी ज्यादा खूबसूरत बाइक दोस्तों, डेटोना, मतलब कि गुड मॉर्निंग बाबू। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारे टी पॉइंट के बगल में ये उड़ता हुआ घोड़ा, ये दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पतरातू, और काफी सारे नए नए मेंबर्स को हम लोगों को देखने को मिला है फिलहाल। बाय। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी काफी अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल द रॉक्स क्रिएशंस, और वंस अगेन हमारा शुरू हो चुका है संडे राइड, और आज फुल पावर है, मेरा रॉक्सी भी तैयार है। सुबह सुबह अभी हो चुके हैं 5:30। दोस्तों यहाँ पर हमारे रवि भाई आ चुके हैं, जो कि अपना इंस्टा को पूरा सेट करते हुए हो चुका सेट। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं कहाँ पे, फ्लाईओवर में। ठीक है रवि भाई, चलिए। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रांची जो है पूरा भगवा में हो चुका है, काफी सही। फिलहाल तो रवि भाई जो है काफी आगे निकल चुके हैं, तो थोड़ा रॉक्सी अपना जलवा दिखा दो। क्या वो ठीक है? गुड मॉर्निंग। कितना का बाइक देखा आज? सुपर बाइक है। अरे वाह वाह वाह, स्टिकर मिल गया जी, हमको तो मिला भी नहीं। आगे गया है, उधर गया है, चलो हम भी स्टिकर मांग लेंगे, चलते हैं ना भाई। तो आ गया हमारा रवि भाई, काफी सही। गुड मॉर्निंग भाई, साइड भाई हम लोग को मिलना भी है अपने बाकी टीम मेंबर से, पतरातू ही जा रहे हैं इस बार तो। स्टंट भाई मेरा वैसे नहीं होता है, हम नहीं करते हैं स्टंट्स। अच्छा वही पता भी गए है ना, देख लेंगे। तो यहाँ पर कोई तो है, ओहो डेटोना है भाई, वाह। व्हाट अ ब्यूटी डेटोना। गुड मॉर्निंग बाबू। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं ना। गुड मॉर्निंग। हाँ यूट्यूब चैनल है आपका? यूट्यूब चैनल है, कौन सा है, क्या नाम से? अच्छा अच्छा, चलिए नाइस टू मीट यू। काफी ज्यादा खूबसूरत बाइक दोस्तों डेटोना, मतलब कि इस बाइक से किसे प्यार नहीं होगा। और बच्चों लोग का फिर से वही रिक्वेस्ट सबसे करते रहते हैं, बिली बिली। पर ये बाइक से तो क्या ही बिली मारा जाएगा, खतरनाक। साउंड सुनो यार, वाओ। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग को अब बोला गया है कि मीटिंग पॉइंट शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि होने वाला है अभी पिठोरिया। तो हमारे सारे बच्चे वाले फैंस को बाय बाय कहते हुए हम लोग यहाँ से निकलते हैं पिठोरिया के लिए। ठीक है बाबू? हाँ नहीं बाबू, सीखे नहीं है, सीख लेंगे। अब बिली सीखना पड़ेगा, सबको तो डिमांड है ना, सीखेंगे बिली है ना। चलो ठीक है ना, बाय।
तो जय बजरंग बली, यहाँ से बजरंग बली का दर्शन तो हो गया है, पर हमारे बाकी के टीम मेंबर्स का दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। चेकआउट द व्यू, पतरातू मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर में से कहा जाए ना तो सबसे टॉप पर आएगा रांची झारखंड का। वाह यार, ये बाइक देखो, वाह यार। तो ये अगला हमारा यहाँ पहुंच चुका है, राइड चालू फुल पावर। अरे भाई, छपरी राइडर हमारे बीच में कैसे आ सकता है? अरे पंगा नहीं लेना छपरी राइडर से। पहुंच चुके हैं पतरातू, दिन की शुरुआत इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकती। गाइस चेक करो, ZX10R माय ड्रीम बाइक, और काफी नजदीक से पहली बार मैं देख रहा हूं। वाओ, वाओ यार, और साथ में यहाँ पर Z900 अवासी की निंदा ZX10R। वाओ, वाओ क्या प्यारा आवाज है यार। बड़ी खतरनाक लीन हो रहा था गाड़ी तो। 125 है ना, 125 है ना पूरा। गजब पतला टायर, लेकिन लीन नहीं हो रहा था, भयानक हो रहा है लीन तो। पूरा एकदम इससे अरे वाह, अरे यार सच में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। तो भैया अपना प्यार बांटते हुए एक प्यार मुझे ही मिला है। दोस्तों यही है स्टिकर है जो कि रास्ते भर जो बच्चों ने मुझे दिखाया कि ये हायाबुसा वाले जो भैया है वो देते हुए गए हैं। चलो सही, तो हमें भी मिल चुका है। और भैया यहाँ से कहाँ जाना है वैसे? दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा हम लोग का इस बार का राइड रहा, संडे राइड, और काफी सारे नए नए मेंबर्स को हम लोगों को देखने को मिला है फिलहाल। और फिलहाल जो मैंने दिखाया आप लोगों को 125 जो आपका अपाची था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लीन आउट कर रहा था। और साथ ही फिलहाल हम लोग अभी है चाय पॉइंट में, जो कि पतरातू के नीचे वाला है, और हमारे जस्ट अपोजिट में देख सकते हैं यहाँ पर वो जो आपका पतरातू डैम है उसका कुछ इंट्रेंस ऐसा कुछ है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लोगों का जो आगे का जो राइड है वो कंटिन्यू होगा। दोस्तों देखो यार, निंजा ZX10R, वाओ क्या सही है। और इसके बारे में मैंने एक बार कहा था कि इसका जो हेडलाइट है वो पूरा ट्रक के जैसा है उसके लिए। लेकिन मैं अपना कमेंट को चेंज नहीं करने वाला हूँ, अगर देखा जाए तो ट्रक के जैसा ही है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि ख़राब दिखता है, काफ़ी सही दिखता है, काफ़ी एग्रेसिव लुक है। और वाओ लुक एट द ब्यूटी, इधर बैलेंस करता है ना ये वाला जो भी है इसका नाम, बैलेंस करता है ये हैंडल को, और काफ़ी वाइड है, मतलब कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना काफ़ी ज़्यादा है।
जो R15 या फिर जो भी हो ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही है। टैंक भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है और काफ़ी कंफर्टेबल। मेन इसका अट्रैक्शन है इसका जो इंजन यार काफ़ी बड़ा है। वाओ इंजन देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहते हैं। स्टॉकी है ना ये साइलेंसर, पर काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। हाँ और टायर भाई कितना का होगा, हमको इसे देख के आइडिया नहीं पड़ रहा है कितना वाइड होगा ये टायर। देख सकते हो यहाँ पर साइड साइड में कॉर्नरिंग का नतीजा है, इनका कॉर्नरिंग देखो। और वैसे दोस्तों ना सुपर बाइक का जो टायर है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, जैसे कि छूने पर एकदम काफ़ी मक्खन टाइप लग रहा है। दोस्तों हमारे टी पॉइंट के बगल में ये उड़ता हुआ घोड़ा देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सही, और पतरातू डैम के ही साइड, तो काफ़ी सुंदर सा ये प्लेस है जो कि पतरातू रिजॉर्ट है आई गेस। और यहाँ पर कलाकृति काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो, पूरा दीवारों पर बनाया गया है। और यहाँ पर बोतल के ऊपर शायद शराबी होगा कोई, कौन है भाई बोतल के ऊपर शराबी, वही लग रहा है। और यहाँ पर देखो मछलियों के मुंडी वाला इंसान, अलग अलग पेंटिंग्स यहाँ बनाया गया है। और ये तो कुछ अलग ही नमूना है, मतलब कि आँख और बगल में कान। तो ये है पतरातू लेक रिजोर्ट, पर ये जो है ना काफ़ी बड़ा पर्यटक स्थल है, जिस कारण यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा चीज़ यहाँ पर रखा गया है, जैसे कि पर्यटक सूचना केंद्र सभी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। अरे अंदर तो गया है, चलो सुबह सुबह आने का ही फायदा होता है कि बिना टिकट आप लोग यहाँ पर भ्रमण कर सकते हो। वाओ और यहाँ से वापस जाते हुए तो बहुत ही बेदर्दी से हम लोगों को निकाला गया है, ब्लॉग इस बार नहीं बन पाया कोई ना। यहाँ पर हम लोग हैं पतरातू लेक रिजॉर्ट में और हमारे हेलमेट वाले भाई के साथ, जिसका नाम भी रवि है और आपका नाम प्रियांशु। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो टी पॉइंट है वहाँ पर जाके जो भी था थोड़ा मोड़ा जो है टी ग्रहण कर लिया, और उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बाय। चलो हाथ गुड मॉर्निंग। बहुत लेट पहुंचा भाई तुम लोग आज ना, हम लोग शायद जल्दी पहुंच गए इस बार, जान बच गए अब। तो ये हमारे राइडर्स दोस्तों, वाओ क्या मतलब कि इन्होंने हमारा इज्जत बचा लिया। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, आप लोग कमेंट करो कैसा लगा आप लोगों को। तो ये था पतरातू राइड, और अगले बार हम लोग कुछ और अनोखा प्लेस जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं वैसे अगला संडे? गेतल सूद। वैसे मेरे कुछ टीम मेंबर्स ने कहा था कि गेतल सूद जाने वाले हैं अगले राइड पर, तो कोई नहीं इस बार पतरातू डैम का ही आप लोगों को मैंने दिखाया ब्लॉग, प्लस पतरातू घाटी का। कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। सो मिलते हैं आपको अपने आने वाले अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और हिट कर देना बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।